दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बारे में। देखिएगा दोस्तों, आज मैं ब्रीफ में कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ डिनर्स लाउंसेस की, महंगाई भत्ते की। देखिएगा, आज 11 तारीख है और फिलहाल आज तक भी कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा लेटर ऑफिशियल तौर पर रिलीज नहीं किया गया, जिस वजह से जो कर्मचारी यूनियन है, कर्मचारी संघ है, उन्होंने एक बार फिर से ये बात को एक विज्ञप्ति के माध्यम से बोला है कि मध्य प्रदेश सरकार जो 4% डिनर्स अलाउंसेस महंगाई भत्ता है वो जल्द से बढ़ा दे, उसका आदेश जारी कर दे। बात है दोस्तों, देखिएगा है क्या कि जितने भी संवर्ग है, लाइक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो गया, रोजगार सहायक हो गए, बहुत सारे और भी ऐसे पद रहे हैं जिनका ग्रेड पे वेतन मान बढ़ाया गया है, लगभग अप्रॉक्स 2 गुना तक कर दिया गया है। तो देखिएगा, ऐसे भी और पद हैं, ऐसे भी और संवर्ग हैं, लाइक कि नर्सिंग स्टाफ है, ठीक, नर्सिंग स्टाफ, इनका नाम नर्सिंग ऑफिसर कर दिया गया स्टाफ नर्स का, और इनका अब ग्रेड पे 4200 होने वाला है। इनकी चर्चाएं चल रही हैं और पूरा उम्मीद है, पूरा चांस इस बार कि इनका ग्रेड पे अगेन फिर से हाई कर दिया जाएगा। ये नर्सिंग ऑफिसर या फिर आप इनको स्टाफ नर्स बोलिए, ये जो आज के मध्य प्रदेश के क्लर्क्स हैं, लिपिक हैं, इनके इक्विवेलेंट टू पोस्ट रही है, जिनका पहले बढ़ाते 1900 किया गया। दिन अभी पिछली बार इनका 2800 हुआ है, जो पिछले इलेक्शन था उस बार, और अब इनका ग्रेड पे जो है अभी बढ़ा के 4200 होने जा रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों, देखिएगा एक बात मैं और बोला था आपसे, एक बात और बोला था कि जो सापेक्ष गरीबी है या सापेक्षता गरीबी है, रिलेटिव पॉवर्टी है, वो क्या होती है? वो होती यही है कि जब मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ जाए और आपकी जो अर्निंग है उस हिसाब से न बढ़े जैसा कि बकाया मार्केट ग्रो कर रहा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेम यही हुआ है। मध्य प्रदेश के जो क्लरिकल कैडर है, जो लिपिक साथी हैं, इनके साथ आज से नहीं, लगभग वर्षों पहले, 30 साल से ज्यादा हो गया है कि इनको वहीं पे रोक के रखा गया और जो बकाया संवर्ग हैं उनको बढ़ाते गए। लाइक अगर किसी का पेमेंट आज इतना है, अगर उसको आप डबल बढ़ा देते हो, सब कुछ ऐसे मार्केट में ग्रोथ आप करते हो, उनका जो रियल इन्फ्लेशन चल रहा होता है उस हिसाब से, लेकिन एक तबका को आप दबा के रखते हो, एक तबका आगे नहीं बढ़ पाता है, तो ऐसे में होता क्या है कि वो सापेक्षता गरीबी की तरफ वो धकेल दिया जाता है, चला जाता है। तो मध्य प्रदेश की जो क्लेरिकल कैडर है उसके साथ भी यही हुआ है। आप एज्यूम करिएगा कितने सारे पद रहे हैं, 51 पद का एक साथ बढ़ाया गया, इसके अलावा और भी कई सारे बार बार आदेश में बढ़ाया गया था जो पिछले विधानसभा इलेक्शन था उस टाइम पे। तो वो पोस्ट जिनका ग्रेड पे बढ़ाया गया, पहले भी बढ़ाया जा चुका था, बाद में बढ़ाया गया, अब फिर से कई सारे ऐसे पोस्ट हैं जिनका फिर से बढ़ाया जाने की बात चल रही है। तो ऐसे में जो लिपिक तबका है, जो क्लेरिकल कैडर है, वो कहीं ना कहीं सापेक्षता गरीबी की ओर बार बार धकेला जा रहा है, और ये जिम्मेदारी होती है जो हमें रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, हमारे जो लीडर्स रहते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि हमारी बात रखें, बोले कि हम सापेक्षता गरीबी या रिलेटिव पॉवर्टी की तरफ हम धकेले जा चुके हैं, और ये किसी भी हिसाब से सही नहीं है।